सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कला यात्रा। मेरा नाम है ब्रजेश और आज हम आ रखे हैं सिटी पैलेस बैंगलोर में और बहुत ही खूबसूरत जगह है यार। तो चलिए अंदर चलते हैं और दिखाता हूँ आपको कैसी जगह है। पर ऐसे आप जैसे ही पहुँचेंगे ना तो सामने यहाँ पे आपको ऐसे सारा प्राइस लिखा हुआ है कि कितना चार्ज है पर पर्सन का और कैमरा और ये सारी चीज़ें मोबाइल वगैरह से। आप अगर वो वीडियो फ़ोटो कुछ की लेते हैं तो उसका चार्ज देना पड़ेगा आपको। और हमने भी अपना टिकट वगैरह ले लिया है। यहाँ ये काउंटर है, यहाँ से आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। दिखा तो हेमू, ये हेमू ने टिकट लिया और ये हेमू के हाथ में बैंड लगा है ना, तो ऐसा बैंड लगाते हैं फिर आप अंदर जा सकते हैं। और यहाँ से इंट्री है, क्या बात है। इंट्री करेंगे तो ये आपको सामने दिखेगा। तो चलिए अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या क्या देखने को मिलता है। तो अंदर आने पे आपको ऐसे एक काउंटर है, काउंटर पे आपको अपना आईडी प्रूफ वगैरह कुछ रखना होगा। अगर आप ग्रुप में हैं तो किसी एक पर्सन का रखना होगा, अकेले हैं तो आपको अपना आईडी प्रूफ देना पड़ेगा। आपको यहाँ से ऑडियो डिवाइस देंगे, वो भी जो आप लैंग्वेज प्रेफर करते होंगे उस लैंग्वेज का आपको मिलेगा। और आप फिर आप यहाँ घूमेंगे और जो भी चीज़ देखेंगे उसके बारे में आप वहाँ सुन सकते हैं। तो ये देखो दोस्तों, ऐसे लग रहा है ये कि मतलब ये ड्राइंग रूम जैसा है, पूरा एकदम बना रखा है। और यहाँ पे ऐसे टेबल चेयर्स लगे हैं बहुत सारे और झूमर वगैरह लगे हैं एकदम मस्त। ऐसे सामने ऐसे बड़ा सा मिरर लगा हुआ है, बहुत ही खूबसूरत है। वैसे क्या बता रही थी मुझे, इसमें जो ये ऑडियो रिकॉर्डर है इसमें मतलब फुल हिस्ट्री है, पूरा डिटेल में कि ये किसका मतलब महल था और कैसे शुरू हुआ। तो इसमें जैसे अभी मैंने थोड़ा सा सुना था तो उसमें बोला था कि ये जैसे एज अ महल ये स्टार्ट नहीं हुआ था, एज अ महल नहीं बना था ये, बाद में इसको महल में तब्दील किया गया। ये ऑयल कलर पेंटिंग लगा हुआ है, मतलब मज़ेदार ही लग रहा है यार। और अभी हम इधर आ गया है तो ये आंगन दिखाया है और देखो कितना बढ़िया लग रहा है ऐसे ये। और यहाँ सामने वाली पेंटिंग बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है, ये देखो। तो यहाँ पे ऐसे पूरा चारों तरफ पेंटिंग पेंटिंग लगी है, ऐसे लग रहा है जैसे एग्जीबिशन हॉल होगा ऐसे कोई। और पेंटिंग्स डिस्प्ले की हुई है, बहुत सारी पेंटिंग्स लगी हैं यार। तो कितनी पुरानी पेंटिंग है, पूरा ऑयल कलर से बनी हुई है और इसका फ्रेम सबसे इंटरेस्टिंग लग रहा है। देखो ऐसा डिज़ाइनदार पूरा ऐसे फ्रेम बना रखा है, बहुत ही खूबसूरत है यार। और पूरे पैलेस में मेरे को चारों तरफ पेंटिंग ही पेंटिंग दिख रही है, वाह। और ये देखो यहाँ पे अभी जैसे हम लोग ये फोटोग्राफ्स के सामने खड़े हैं ना, तो इसका नंबर है 12। और इसमें जैसे 12 नंबर पे मैंने ऑडियो प्ले किया तो जैसे यहाँ पे ये जानवरों की फ़ोटो दिख रही है ना और हाथी के पांव भी है, तो इसमें जो आवाज़ आ रही है ना वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो हाथी के बारे में बता रहे हैं, इसमें पूरा जैसे जंगली जानवरों की आवाज़ आ रही है। और जब बता रहे हैं कि ये शूटिंग किया करते थे उस टाइम पर, तो फिर बंदूक चलाने की भी आवाज़ आ रही है, मतलब पूरा फुल बैकग्राउंड साउंड और सबके साथ पूरी हिस्ट्री बता रहे हैं, तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। क्या बात है। Thank you.
ये देखो दोस्तों कितना खूबसूरत बना रखा है ये स्कल्पचर। यहाँ इस पूरे गैलरी में पूरा स्कल्पचर वगैरह लगे हैं, इससे ऊपर तक सारे पेंटिंग दिख रहे थे, अब यहाँ स्कल्पचर्स दिख रहे हैं। और वहाँ पे देखो एक फिश का स्कल्पचर दिख रहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा लग रहा है ये देखो, क्या बात है। वहाँ पे एक पॉट रखा हुआ है, ये भी ऐसे पूरा सिरेमिक का बना हुआ है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। वैसे ये पैलेस फर्स्ट टाइम ऐसे किसी पैलेस में देख रहा हूँ मैं, कि मतलब जैसे आर्ट की चीज़ें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे स्कल्पचर पेंटिंग और सब चीज़ें, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा मुझे लग रहा है यहाँ पे। ये दोस्तों तो अभी हम ऊपर से जब देख रहे थे ना, तो ये आंगन दिख रहा था और इसे महाराजा का आंगन बोलते हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था ऊपर से, और यहाँ से ऊपर देखने में बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। ओ माय गॉड, यहाँ पे भी सारा पेंटिंग देखो, कितना सारे पेंटिंग्स बने हैं यार, पूरे रूम में पेंटिंग लगा हुआ है और लैंडस्केप बना रखे हैं और सारे महाराजा लोग के पोर्ट्रेट वगैरह बने हैं। यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट पूरे स्केचेस पेंसिल से बने हैं, ड्राइंग स्केचेस बहुत सारे, और देखो कितना। तो वगैरह रखी हुई है और ये पूरा पैलेस इतना खूबसूरत दिख रहा है ना यार, और देखो, और जस्ट इसके पैलेस के सामने ही ना पूरा ऐसे गार्डन बना हुआ है, ऐसे बहुत ही खूबसूरत गार्डन है और बहुत सारे लोग इसमें घूम भी रहे हैं, तो अभी हम भी जाते हैं उधर, थोड़ा बैठेंगे कहीं। और बहुत बड़ा कैंपस है इसका, बहुत बड़े एरिया में है, और पीछे उधर ऐसे पेड़ वेड़ है, जंगल सा है पूरा इलाका, मज़ेदार ही दिख रहा था। तो अभी देखते हैं, अगर उधर टाइम हुआ तो हम उधर भी जाएंगे। तो ये पैलेस काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह है, अच्छी जगह है, और मतलब कॉस्ट थोड़ा सा हाई है, जैसे जो इसका चार्जेस था 240 रुपीज़ पर पर्सन, वो थोड़ा सा हाई लगा, बट फिर भी सही है, वर्दी है। और जैसे कि अभी पीछे दिख ही रहा होगा इसका आर्किटेक्चर, और जो ये ग्रीन ग्रास से पूरा हाफ पैलेस कवर है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। और इसके अलावा एक्चुअली बैंगलोर में बहुत सारी जगह हैं, बैंगलोर अपने में बहुत बड़ा और इंटरेस्टिंग सिटी है, तो इसमें यहाँ पे बहुत सारी जगह है। हम कुछ जगह पहले भी विज़िट कर चुके थे और आज हमारे पास सिर्फ एक ही दिन का टाइम था, तो इसलिए हमने पैलेस सेलेक्ट किया। बहुत अच्छा है, लेकिन ये है कि एक बार आने के बाद दोबारा मतलब ऐसा होगा कि बोरिंग सा। वन टाइम विजिट सही है, और फोटोग्राफी के लिए भी काफ़ी अच्छी जगह है अंदर पे। तो ठीक है दोस्तों, होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। सब मिलते हैं किसी ऐसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, जहाँ भी रहिए हंसते मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, बाय बाय। बाय बाय सिटी पैलेस।